आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। 2022 विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण यानी सातवां चरण आज सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। वहीं 9 जिलों की 54 सीटों पर यह चुनाव होना है। वहीं 9 बजे तक कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, आइए आपको बताते हैं कि 9 बजे तक कुल कितने प्रतिशत वोट पड़ चुके हैं। वाराणसी में 8.93% वोट पड़ चुके हैं, वही यूपी में अभी तक कुल 9% मतदान हो चुके हैं। सातवें चरण के लिए सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 9% मतदान हो चुके हैं, वाराणसी में 8.93% मतदान हो चुके हैं, आजमगढ़ में 7.57% मतदान हो चुके हैं, मऊ में 7.3% मतदान हो चुके हैं, गाजीपुर में 8% मतदान हो चुका है, चंदौली में 11.25% मतदान हो चुका है, भदोही में 7.41% मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है, जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है, सोनभद्र में 6.75% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आज 9 जिलों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी है। वहीं 9 बजे तक कुल वोटिंग प्रतिशत, मतदान प्रतिशत जो है वो 9% है। 9 बजे तक 9% मतदान हो चुके हैं। चंदौली में 11.25% मतदान हो चुका है, भदोही में 7.41% मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है, जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है, वाराणसी में 8.93% मतदान हो चुका है, आजमगढ़ में 7.57% मतदान हो चुका है, वहीं जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है। सातवें चरण के लिए सुबह 9 बजे तक कुल 9% मतदान हो चुका है। सातवें चरण का चुनाव 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर हो रही है। कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही में यह मतदान जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 9% कुल 9 बजे तक का मतदान हो चुका है। सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान है। 613 प्रत्याशी कुल चुनावी मैदान में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, जहां पर जनता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वही बात अगर बड़े चेहरों की जाए तो कई बड़े चेहरे इस बार सातवें चरण में चुनावी मैदान में हैं। वही अब्बास अंसारी मऊ से, सुभाषपा से जो सपा और का गठबंधन है उसके साथ चुनावी मैदान में, अशोक सिंह मऊ जो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में, दारा सिंह चौहान जो भाजपा के बागी नेता है वो सपा के साथ है और सपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं घोसी विधानसभा से, विजय राजभर भी घोसी विधानसभा पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लगातार कई सीटें हॉट सीट बनी हुई है। जौनपुर भी एक हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां से भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और उनकी चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। धनंजय सिंह जौनपुर से चुनावी मैदान में, इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। को बता दें कि चुनाव के बीच दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। जौनपुर से बड़ी खबर, सातवें चरण का मतदान जारी, जौनपुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प। फर्जी मतदान को लेकर कार्यकर्ता आए आमने सामने, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बक्सा थाना क्षेत्र के उतेगरपुर का मामला आया सामने। सातवें चरण का मतदान जारी, वहीं दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। जौनपुर में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। फर्जी मतदान को लेकर कार्यकर्ता आए आमने सामने,
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बक्सा थाना क्षेत्र के उतेगरपुर का यह मामला सामने आया है। सातवें चरण का मतदान जारी। जौनपुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प। फर्जी मतदान को लेकर कार्यकर्ता आए आमने सामने। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। वही जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ 9 जिलों में मतदान जारी है, तो वहीं जौनपुर में भी आज मतदान हो रहा है। वहां से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर फर्जी मतदान को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए हैं। दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अहमद जौनपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमद, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है और कौन कौन से दो पक्ष है जिनके बीच हिंसक झड़प हुई है? मैडम बता दी, ये पूरा मामला मल्ली विधानसभा का है, जहाँ पे बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और लकी यादव समाजवादी के प्रत्याशी हैं। फर्जी वोटों को लेकर दो गांव में उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। फिलहाल एक पुलिस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई, स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है। जी, क्या कुछ और मामला सामने आया? पुलिस ने उस पर क्या कुछ कार्रवाई की है? अहमद, हेलो जी मैडम, पुलिस ने क्या कुछ उस पर कार्रवाई की है जो दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है? पुलिस ने उस पर क्या कुछ कार्रवाई, जो फर्जी मतदान बताया जा रहा है, ये क्या कुछ मामला है फर्जी मतदान का? भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, उपद्रवियों की तलाश की जा रही है, एक को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल अहमद, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस उस पर कार्रवाई की और पुलिस भारी मात्रा पर वहां तैनात कर दी गई है। मल्हनी विधानसभा का यह मामला सामने आया है, जहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं बढ़ते हैं एक बार वोटिंग परसेंटेज की तरफ। सुबह के 9 बजे तक यूपी में सातवें चरण का 9% मतदान हो चुका है। वाराणसी में 8.93% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 7.57% मतदान हो चुका है। मऊ में 7.30% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 8% मतदान हो चुका है। चंदौली में 11.25% मतदान हो चुका है। भदोही में 7.41% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक की कुल जो मतदान की प्रतिशत है वो 9% है। गाजीपुर में 8% मतदान हो चुका है। वही हमारे संवाददाता अहमद जौनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, वहां के मतदान केंद्र का क्या कुछ जायजा है, किस तरह से वहां मतदान संपन्न कराया जा रहा है? जनपद में सातवें चरण का मतदान जौनपुर में भी हो रहा है और सुबह शहरी क्षेत्रों में भीड़ थी, ग्रामीण क्षेत्रों में इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन अभी तक 9 बजे तक 9% मतदान जनपद जौनपुर में हो चुके हैं। अब बूथों पर लोगों की भीड़ बढ़ना चालू हो गई है। जैसे इसी दिन चलेगा, लोगों की भीड़ बूथ पे बढ़ेगी और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। अहमद, अभी एक खबर सामने आई है मल्हनी विधानसभा से, जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है, दो पक्ष आपस में भिड़ गया। बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह भी वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला और इसका क्या कुछ असर मतदाताओं पर पड़ा इस हिंसक झड़प का? पूरा मामला ये था कि बूथ पर फर्जी वोटो को लेकर धनंजय सिंह और लकी यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जी भिड़ गए, स्थिति वहां पे तनावपूर्ण हो गई। भारी पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, उसके बाद एक को हिरासत में लिया है, बाकी लोगों को बूथ से खदेड़ा गया है। उसके बाद स्थिति सामान्य हुई है, अफरा तफरी का माहौल था, फिलहाल वहां पे स्थिति सामान्य है। जी, मतदाताओं पर तो इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है अहमद? जो मतदाता वहां पर मौजूद रहे हैं, जो वहां पे मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, उसमें कुछ ओल्ड एज मतदाता भी रहे होंगे, कुछ महिलाएं भी रहे होंगी, क्या उनपे कोई असर तो नहीं पड़ा इसका? नहीं, उनपे कोई असर तो नहीं हुआ, थोड़ी परेशानियां हुई वक्ती तौर के लिए उन्हें, लेकिन स्थिति अब सामान्य है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्दे क्या है जौनपुर में, चुनावी मुद्दे क्या है? क्या आपने वहां के लोगों से बातचीत की, जो मतदाता मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, आपने उनसे बात की कि किस मुद्दों पर जौनपुर की जनता इस बार मतदान कर रही है? मैं कुछ लोगों से ही बात कर बताता हूँ। भैया, आपने वोट दिया? जी जी। क्या क्या मुद्दे थे इस बार वोट देने के आपके, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? हमने यही दिया कि सरकार को हमें चेंज करना था जो है, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हमें सरकार में डालना था। क्या क्या कमी थी सरकार में? कमी क्या बताया जाए, कमियां तो बहुत सारी थी। कमियां क्या क्या गिनाई जाए, कमियां तो बहुत सारी थी, गिनाने की हमें ये कुछ लोग थे बता रहे थे कि सरकार में बहुत कमी थी जी। और हम सरकार बदलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी को चुनना चाह रहे हैं,
अब कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल अहमद जी। अच्छा आइए आपने वोट दिया जी। क्या क्या मुद्दे थे इस बार वोट देने के? किन मुद्दों पे लेके आपने वोट दिया है? परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन लाने के लिए? तो लोग परिवर्तन लाने के लिए वोट देने के लिए आए हैं, और परिवर्तन आता है कि नहीं आने वाली 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। जी अहमद, अगर बात की जाए जौनपुर की, तो जौनपुर में अपने मुद्दे हैं परिवर्तन, विकास, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें अखिलेश यादव की सरकार लानी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ के आता है कि जो मौजूदा विधायक है वहां से, अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अब उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है जौनपुर में? नहीं, उनके दावे तो बहुत हैं, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी है। मौजूदा समय जो विधायक जी हैं और मंत्री भी हैं गिरीश यादव जी, उनको लेकर उनसे लोग नाराज हैं, और कहीं ना कहीं उनको बदलना चाह रहे हैं, और कुछ लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं, इसलिए वोटिंग कर रहे हैं आकर यहाँ पर। जी वही, अगर बात किया जाए महिलाओं की, तो जौनपुर की महिलाओं का मुद्दा क्या है? जौनपुर की महिला किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगी, और उन्हें क्या कुछ योजनाएं और विकास कार्य चाहिए? अब बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आपने वोट दिया, क्या मुद्दे थे वोट देने के? आप वोट देने गई, आपके मन में क्या था, क्या क्या चाहती हैं इस बार, क्या बदलाव चाहती हैं आप महिलाओं के लिए, क्या चाहती हैं? अरे अच्छा काम, अच्छा काम। जो मौजूदा विधायक है उनसे आप संतुष्ट हैं, मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? ये महिलाओं के लिए काम चाहती हैं कि महिलाओं के लिए सरकार सोचे और कुछ करे? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए योजनाएं जो बहुत सारी मौजूदा सरकार द्वारा भी लाई गई थी, इसमें महिलाओं की उम्मीदें बिल्कुल दिखती है कि हाँ महिलाएं। अगर बात किया जाए वहां के युवाओं की अहमद, तो युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? जिस तरह से कोरोना के बाद युवा बेरोजगार हुआ है, रोजगार छीने हैं, तो युवाओं का रोजगार के मुद्दों के साथ साथ और क्या बदलाव युवाओं को चाहिए? हम कुछ युवा हैं उनसे भी बात करते हैं। जी इस बार आप वोट देने आए थे, क्या मुद्दे थे और युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? सरकार से कितने संतुष्ट आप हैं? मैं बाबा से तो कोई संतुष्ट नहीं भैया। क्या युवाओं के लिए बाबा ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ हवा हवाई है उनका। तो कौन करेगा फिर युवाओं के लिए? अखिलेश जी। मेन टारगेट अखिलेश जी। तो कुछ लोग थे युवा है और ये कह रहे थे कि बाबा ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी से उम्मीद लगा है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल अहमद, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौजूदा सरकार से थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफी सारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। तो ये तो जनता का मत है, जनता किसको अपने विकास के लिए आगे चुनेगी। वही अगर बात दिग्गजों की जाए अहमद, तो कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है जौनपुर से? जौनपुर से फिलहाल धनंजय सिंह मल्ही विधानसभा से, और लकी यादव वर्तमान विधायक, और सदर विधानसभा से राज्य मंत्री गिरीश यादव, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। और गिरीश यादव का क्या कुछ पैर देखने को मिल रहा है अहमद? गिरीश यादव कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो समाजवादी पार्टी से टक्कर गिरीश यादव को सीधी मिल रही है जौनपुर सदर सीट में। जी अगर गिरीश यादव के क्या कुछ दावे और वादे हैं कि अगर जनता उनको चुनती है तो क्या कुछ वो विकास कार्य करेंगे? गिरीश यादव के दावे हैं कि हमने अपनी सरकार में 1500 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास लोकार्पण जौनपुर में किया, और कुछ काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, अगर जनता हमको दोबारा मौका देती है तो उन कामों को हम पूरा करेंगे। जी वही अगर बात किया जाए वहाँ के और मुद्दों की, शिक्षा स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, तो स्वास्थ्य के क्या कुछ मुद्दे हैं, स्वास्थ्य में क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ और जो तकनीक है स्वास्थ्य के लिए, अपडेटेड वर्जन जिसको कहते हैं कि अपडेट तरीके से लोगों का इलाज हो पाए, लोगों को सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जौनपुर में ही मिले, उसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है और क्या मुद्दे है और क्या कुछ विकास कार्य हुआ इस 5 साल के कार्यकाल में? जी स्वास्थ्य को लेकर आप बताइए, जनपद जौनपुर में स्वास्थ्य को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं, या कि सरकार में स्वास्थ्य को लेकर काम हुआ या नहीं? स्वास्थ्य पे कोई संतुष्टि नहीं है, सारे लोग बेहबल भारत समझे भैया। तो सरकार के दावे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया है जौनपुर में, उससे क्या फायदा हुआ? एडमिशन हुआ, चला कुछ हुआ, खाली बिल्डिंग से काम चलेगा, इलाज नहीं मिल रहा है आपको? अरे आप जाके स्वयं देख आइए, आप भी तो वही कर रहे हैं। जी सरकार के और विधायक के जो दावे हैं कि मेडिकल कॉलेज से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आप देख सकती हैं कि लोग नाराज हैं काफी, कि अभी ओपीडी और तमाम व्यवस्थाएं वहां चालू हो नहीं पाई हैं, और लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा उनको बेहतर नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
काफी काम करना भी बाकी है जी। जौनपुर की जनता स्वास्थ्य को लेकर खासा नाराज दिख रही है कि स्वास्थ्य के जो क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य में उनको और विकास चाहिए और कार्य चाहिए। भाई अगर बात रोडों और सड़कों की जाए तो रोडों और सड़कों का क्या कुछ विकास हुआ है जौनपुर में अहमद? रोड तो मैडम बहुत खस्ता हाल है जी। जौनपुर से भदोही तक की रास्ता ऐसा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है कोई बता ही नहीं सकता ये जी। बिल्कुल भाई, अगर बात किया जाए मतदान केंद्रों की तो मतदान केंद्रों पर क्या कुछ महिलाओं की अलग से व्यवस्था की गई है अहमद? महिलाएं किस तरह से मतदान केंद्रों पर आ रही और महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? महिलाएं पुरुषों के बराबर बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं और उनकी संख्या बराबर है, बराबर लगातार वो आए जा रही हैं और इनके लिए अलग लाइनें हैं, पानी की व्यवस्था है। और जी वही अहमद, अगर वहां से कई आपने बात की, धनंजय सिंह और लकी यादव दोनों चुनावी मैदान में हैं। धनंजय सिंह एक फेमस बहुचर्चित चेहरा है, लकी यादव भी बहुचर्चित चेहरा है, तो इन दोनों में टक्कर क्या देखने को मिल रही है? धनंजय सिंह बाहुबली है, पिछली बार उपचुनाव में ये 4000 मतों से चुनाव हारे थे जी, और इस बार लकी यादव उनको टक्कर दे रहे हैं और स्थिति मामला 1920 का है वहां पे, आने वाली 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन हालांकि खबरें भी सामने आ रही थी कि धनंजय सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, फिर आखिर में वो चुनावी मैदान में आए और उनकी पत्नी भी उनके साथ हर जगह दिखी, तो उनकी पत्नी का उनके साथ चुनावी प्रचार में और उनके साथ होने का वहां की महिलाओं पे कितना असर पड़ा है? बिल्कुल असर तो पड़ा है क्योंकि वो जिला पंचायत भी है और उनके क्षेत्र में सक्रिय होने से महिला वोटर कहीं ना कहीं धनंजय की तरफ उनका झुकाव है इस बार जी। तो महिलाओं के लिए लड़ाई टक्कर की है मलनी में जी, इस ऐसे में वो खुद भी एक राजनीतिक पद पे बैठी हुई है, तो ऐसे में ये भी बात अहम निकल के सामने आती है कि वो महिला के लिए ज्यादा बेहतर सोचेंगे क्योंकि उनके घर से उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में, तो ऐसे में क्या कुछ दावे और वादे उनके महिलाओं के लिए है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए और खासकर युवाओं के लिए जी, उन्होंने कहा कि अगर हम जनता हमको मौका देती है तो मलनी में हर ग्राम सभा में एक मैदान स्पोर्ट के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और महिलाओं के लिए जो सरकार की योजना है उसे धरातल पर लाएंगे जी। और अगर आज की बात करें तो आज जो जनता मतदान केंद्रों पर जा रही है उनके अपने मुद्दे जो है वो विकास और स्वास्थ्य और सुरक्षा के, इसको लेके हट के और क्या कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि पेंशन योजना हो गया, आवास योजना हो गया, इन सब में और कौन सी योजनाएं हैं जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है उस योजना को और दुरुस्त किया जाए, उसका फायदा जनता को मिले? लाइन में लाइन जी। आपकी अहमद, जनता क्या कुछ चाहती है, जैसे कि योजनाएं जो है मौजूदा सरकार के, पेंशन योजना, विकास योजना जो भी है और सबसे अहम जो है वो आवास योजना है अहमद, तो अहमद कौन सी ऐसी जो इनके योजना है उसको दुरुस्त चाहती है जनता चाहती है और दुरुस्त हो और उसका फायदा उनको ज्यादा मिल पाए? जनता चाहती है सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे। अब सरकार का कहना है कि हम गरीब तक, आम जनता तक सभी योजनाओं को पहुंचा दिए हैं और जो छूट गई है उनको अगर दोबारा मौका मिलता तो उनको पहुंचाएंगे, और उनके विधायक और मंत्री क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को ये बता रहे हैं कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ आपको मिला है इसलिए सरकार को दोबारा मौका दीजिए और जो छूट गए हैं अगर दोबारा मौका मिलता है तो हम उनको उस योजना का लाभ दिलवा देंगे। जी बिल्कुल अहमद, आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतदान केंद्रों पर बने रहिए और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए कुल 9% मतदान हो चुका है। चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़ में और कुल 9 जिलों में मतदान जारी है। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जौनपुर के मलहनी विधानसभा से जो धनंजय सिंह और लकी यादव आमने सामने हैं, हालांकि पिछली बार भारी वोटों के अंतर से धनंजय सिंह चुनाव हार गए थे, इस बार उनके लिए भी एक परीक्षा है। देखना यह है कि इस बार जनता उनकी किस्मत का क्या कुछ फैसला करती है। ऐसे में लकी यादव भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, कई दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कई मंत्री भी सातवें और आखिरी चरण में चुनावी मैदान में हैं। सातवें चरण के लिए बड़े चेहरे हैं
वो चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टियां, उनके पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर अपने प्रत्याशियों के पाले में वोटरों को करने की कोशिश की है। जनसभाएं हो गए, डोर टू डोर कैंपेन हो गए, बड़े बड़े वादे और दावे हो गए लगातार वो किए गए हैं। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर से संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजीपुर में क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से चुनाव वहां पर चल रहा है? पवन, आपको कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हो रहा है और इस समय हम आदर्श बूथ पे खड़े हैं सैदपुर विधानसभा में। लगभग 10 बजे तक 18% तक मतदान सैदपुर विधानसभा में हो चुके हैं। जी, अगर बात की जाए व्यवस्था की तो कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? जी, गाइडलाइन को लेके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती जो हैं लगा हुआ है वहाँ पे ड्यूटी उनकी लगाई गई है और बहुत अच्छी तरीके से जो है ये कार्यक्रम हो रहा है चुनाव का। जी, और महिला और दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र पर गाजीपुर में? हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर मतदान केंद्रों में। आपको बता दें गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। पूर्वांचल में 7वें चरण का मतदान हो रहा है। पूर्वांचल हमेशा से जातिगत के लिए फेमस रहा है जाना गया। हमारे संवाददाता गाजीपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं गाजीपुर से? जी, अभी हम बता दें आपको सैदपुर से जो सैदपुर विधानसभा से जो है यहाँ पे लड़ाई भाजपा और सपा की है, जहाँ पे 10 साल से लगातार विधायक रहे सुभाष पासी सपा से, इस वक्त भाजपा में है। और ये गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट में सबसे हॉट सीट मानी जाती है सैदपुर। जी, कौन सा दिग्गज कितना मजबूत अपने क्षेत्र से नजर आ रहा है पवन गाजीपुर में? जी, गाजीपुर में देखा जाए तो जमनिया से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और उनके सामने हैं सुनीता सिंह जो मौजूदा विधायक हैं। जी, उसके बाद आप सैदपुर में देखिए तो विधायक सुभाष पासी के सामने सपा के तरफ से जो है अखिलेश यादव ने सबसे युवा प्रत्याशी अंकित भारती को उतारा गया है। जी, और गाजीपुर सदर की बात करें तो वहां पे सपा से जय किशन साहू और ये लड़ाई जो है संगीता बलवंत के बीच है। जी, गाजीपुर की जनता के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर गाजीपुर की जनता इस बार मतदान कर रही है और क्या कुछ विकास चाहती है गाजीपुर की जनता? गाजीपुर की जनता सबसे पहले किसानों के हित में, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पे ये सरकार चुनने का काम करेगी। जी, इसके पहले जो विधायक थे जिनका अब कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है गाजीपुर में? लगभग देखा जाए तो गाजीपुर में जितने भी बीजेपी के विधायक रहे मौजूदा सरकार में, उनके द्वारा कोरोना काल में बहुत ही काम किया गया है, वो चाहे ऑक्सीजन प्लांट का हो या फिर जो दूर दराज से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रहने खाने और व्यवस्था की गई। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन। आप बिल्कुल मतदान केंद्रों पर बने रहिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े थे गाजीपुर से, उन्होंने बताया कि गाजीपुर की जनता का मुद्दा क्या है, गाजीपुर की जनता किन मुद्दों के साथ उस बार मतदान केंद्रों पर जा रही है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल 7वें चरण के लिए 9% मतदान हो चुका है। सोनभद्र में 6.75% मतदान हो चुका है। भदोही में 7.41% मतदान हो चुका है। वहीं मऊ में 7.30% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 8%, वाराणसी में 8.93% मतदान हो चुका है। चंदौली में 11.25% मतदान हो चुका है। भदोही में 7.41% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। लगातार मतदान जारी है और मतदाता अपने अपने मुद्दों के साथ अलग अलग जिलों के अलग अलग बूथों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर बात 2022 विधानसभा के टोटल कुल मुद्दों की किया जाए तो 2022 विधानसभा एक अहम चुनाव साबित हुआ है, क्योंकि इस बार 7 चरणों के मुद्दे अलग रहे हैं। किसानों का मुद्दा
विधानसभा चुनाव पर हावी रहा है। गन्ना किसान और किसान प्रदर्शन लगातार एक खासा असर डाला है 2022 विधानसभा की चुनाव पर। वहीं बात अगर शिक्षक अभ्यर्थी की जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग भी लगातार तेज होती रही है। वो लगातार SCRT कार्यालय से लेकर के जो और पार्टियों के कार्यालय है वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी। ऐसे में अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी उसी पार्टी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं जो उनकी मांगों को पूरी करे। ऐसे में सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। कोरोना 2.5-3 साल कोरोना में काफी लोग बेरोजगार हुए, ऐसे में युवाओं की जो मांग है वो रोजगार है। अब देखना यह होगा कि जनता किसको चुनती है, युवा, शिक्षक अभ्यर्थी, किसान, ये जो सारे अहम मुद्दे हैं और ये जो लोग हैं ये किसको चुनते हैं। लगातार कई ऐसी अहम मुद्दे, चाहे वो कैराना में पलायन का मुद्दा हो, चाहे फिर वो देवबंद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात जब सामने आई थी, ऐसा अटकलें लगाई जा रही थी कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तब भी विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधा था। वही बात जब अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने की आई थी, तब भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया था। वार और पलटवार के बीच 2022 विधानसभा चुनाव आज खत्म होने वाला है। आज 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। 10 मार्च को पता चलेगा कि किसको सत्ता की कुर्सी मिली है, जनता ने किसको चुना है, जनता ने किन किन विधायकों को मौका दिया है आगे 5 साल तक उनका विकास कार्य करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसे में जनता अपना फैसला सुना चुकी है, जनता ने अपना मत EVM में कैद कर दिया है। 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसके हक में यह फैसला लिया है। 2022 विधानसभा कई मामलों में अहम रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम ऐसे दिग्गज जो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी कड़ी में कमलेश मऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। कमलेश, वहां के मतदान केंद्रों का क्या कुछ जायजा है और किस तरह से मतदान हो रहा है? जी, आपको बता दें, इस वक्त हम अहमदाबाद गोहाना में है, जो तो बहुत सफल संपन्न से किया जा रहा है, जो काफी यहाँ भीड़ नहीं दिख रही है और आराम से मतदान, अब तक 97% मतदान मौके हो चुके हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया और कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया? अगर देखा जाए तो यहाँ कोरोना को प्रोटोकॉल को देखते हुए भी यहाँ सैनिटाइजर और मास्क के लिए प्रयोग किया जा रहा है और आपको बता दें कि अच्छे और सब की जा रही है। मुद्दे क्या है, वहां की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर जा रही है? अगर देखा जाए तो यहाँ श्रीराम सोनकर BJP से विधायक 5 साल पहले रह चुके हैं और मोहम्मदाबाद की धरती पे कोई विकास गंगा नहीं बही है और इस पर देखा जाए कि क्या होता है। अगर बात पूर्वांचल की जाओ तो पूर्वांचल जातिगत समीकरण के लिए बड़ा ही मतदान हो रहा और जातिगत समीकरण की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मऊ में जो है जातिगत समीकरण वो क्या है कमलेश? कमलेश, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से जातिगत समीकरण पर आधारित रहा है। कहा जाता है कि जो एक सपा का MKY समीकरण है, मुस्लिम, कुर्मी और यादव समीकरण, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक है, सुभाषपा का अपना एक अलग वोट बैंक है, निषाद पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक है। ऐसे में कौन से जाति का वोट किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो मऊ की जनता किस वोर और कौन सी जाति का वोट किस वोर जाता दिख रहा है? इस वक्त बता दें कि देखा जाए तो यादव बिरादरी तो सपा छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है और वहीं अदर लोग की बात की जाए, जैसे हरजन की बातें हैं तो उसमें भीम राजभर को ही सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त हम बड़े बाहुबली चेहरे, उनका क्या कुछ पैड देखने को मिल रहा है मऊ में? मऊ में बाहुबली जैसे कि अब्बा, अब तक तो 25 साल तक मुख्तार अंसारी ही मऊ के कब्जा कर चुके थे और इस बार देखा जाए तो उनके बेटे अब्बास अंसारी ही भी कब्जा करना चाहते हैं और इस बार देखे एक बयान भी सामने आया था कि उनकी जान को खतरा है, इसका क्या कुछ जनता पे असर पड़ा है, मऊ की जनता पे? देखा जाए तो उन्होंने विगत कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि
अखिलेश भैया से हम मिल कर आए हैं और 6 महीना ना तो किसी की पोस्टिंग और ना तो किसी का ट्रांसफर, और एक एक लोग से हम हिसाब लेकर करेंगे। अंसारी के इस बयान का कितना कुछ असर जनता पे पड़ा है? अगर देखा जाए तो जनता पे कोई असर नहीं पड़ा है, इस वीडियो को वायरल होने पे जनता पे कोई असर नहीं पड़ा है, उसी तरह का ही अभी मामला चल रहा है। बात किया जाए मऊ पे अन्य प्रत्याशियों की, तो इसके पहले जो प्रत्याशी वहां पर थे उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है? अगर देखा जाए विकास कार्य तो कल्पनाथ राय के जाने के बाद और मऊ में अब तक एक ईंट का भी विकास नहीं किया गया है, और 25 साल में भी तो कोई विकास नहीं हुआ जब से स्वर्गीय कल्पनाथ राय जाने के बाद, और उसके बाद एक भी ईंट की विकास नहीं, और 25 साल मुख्तार अंसारी भी रहे हैं और उन्होंने एक ईंट नहीं रखा, और विकास की गंगा या नहीं बही है। किया जाए वहां की महिलाओं का, तो मऊ की महिलाओं का क्या कुछ मुद्दे हैं कमलेश, वहां की महिलाएं क्या कुछ विकास चाहती हैं? यहाँ के विकास की बात की जाए तो शिक्षा के माने में बहुत कम माना गया है, क्योंकि यहाँ शिक्षा और मेडिकल और स्वास्थ्य के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो विकास की महिलाओं को क्या और चाहिए। जी बिल्कुल कमलेश, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। अब मतदान केंद्रों पर बने रहिए और हम तक सारे अपडेट्स पहुंचाते रहिए। हमारे संवाददाता कमलेश मऊ से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि मऊ में क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्या कुछ गर्मा गर्मी है चुनाव को लेकर, क्योंकि कई दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मऊ की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, आगे 5 सालों तक किसको मौका देती है मऊ के विकास का। सातवें चरण का चुनाव जो है वो 9 जिलों की 54 सीटों पर चल रहा है, 613 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता किसकी किस्मत का फैसला क्या कुछ करती है। आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, इन 9 जिलों में सातवें चरण का आखिरी चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। वही बात अगर 2017 की नतीजों की जाए 54 सीटों पर, तो बीजेपी को 36 जो सीट है वो मिले थे, वही सपा को 11 सीट, बसपा को 6, कांग्रेस को 0 सीट मिले थे। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो 1 सीट मिला था। वहीं अगर इन 54 सीटों की बात की जाए तो उसमें गठबंधन का भी अपना एक अलग पैठ है। लगातार जिस तरह से सभी छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वो अपने वादे और दावे कर रहे हैं कि क्या कुछ वो दे पाएंगे, जिन पार्टी के साथ वो गठबंधन किए हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव तो लगातार जिस तरह से चुनाव जारी है और सभी जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार ताल ठोक रहे हैं कि वो इतनी सीटें जीतकर सामने आएंगे और इतनी सीटें जीतकर सामने आएंगे पार्टियों के साथ उनका गठबंधन। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सा छोटा क्षेत्रीय दल और कौन सी पार्टी अपने पाले में कितनी सीट को कर पाती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगहों से चुनावी मतदान केंद्रों का जायजा लिया है, सोनभद्र से, तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहाँ की जनता का मत है। चुनाव लेकर जौनपुर भी मतदान हो रहा है, हम शहर विधानसभा के कटघरा बूथ पे खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 35 लाख यहाँ मतदाता है, कुल 18 लाख के करीब पुरुष है, 16 लाख के करीब महिला मतदाता है। सुबह 9 बजे तक 9% मतदान जौनपुर में हो चुका है। प्राइम टीवी के लिए अहमद हसन, जौनपुर। सातवें चरण का चुनाव लेकर जौनपुर भी मतदान हो रहा है, हम शहर विधानसभा के आज सातवें चरण का अंतिम पड़ाव है विधानसभा चुनाव का, जिसमें 9 जिलों में चुनाव हो रहा है, उसी क्रम में सोनभद्र में भी आज चुनाव का क्रम जारी है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। थोड़ी समस्या आ रही है कि पर्ची न मिलने के कारण लोगों को वोटिंग में समस्या आ रही है, कहीं न कहीं इसकी कमी महसूस हो रही है, देखना है कि क्या होता है। कई लोगों को मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है ये बताए, आप कैसी सरकार के विचार करते हैं?
राष्ट्रीय और विकास अनुशासन। क्या नाम है? अवनीश। बताइए अवनीश जी, किन मुद्दों के लेकर आप मतदान कर रहे हैं? मैं सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शौचालय, पानी और राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए। इस बार कैसी सरकार चाहिए आपको? हमको साफ सुथरी और भ्रष्टा मुक्त सरकार चाहिए। क्या नाम है आपका? ये बताइए, आज बहुत बड़ा काम करो है, लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? कैसी गवर्नमेंट चाहिए? वक्त बताएगा, वक्त तो नहीं बता पाएंगे। फिर भी आप मतदान कर रहे हैं तो उसको उद्देश्य होगा कि हम ऐसी सरकार चुने, हमको ये व्यवस्था चाहिए, तमाम ऐसी सोच के कैसी सरकार चाहिए? जो परेशानी है जो वही भी सरकार आ रहे हैं तो भाई गरीबों के लिए हक में करे। क्या क्या परेशानी है, क्या संतुष्ट है? 5 साल बीत गया, क्या इनके कार्यों से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं संतुष्ट है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बेचारे दे रहे हैं तो पैसे उसको नमक हरामी करे आदमी खा करके ऐसा नहीं कर सकते। ये बताइए, आप अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, महिला हैं, महिला सुरक्षा के तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आप संतुष्ट हैं? क्या आपका किस देश से आप मत करने हैं, कैसी सरकार की अपेक्षा है? हम अपने सरकार है मोदी तरफ से है ना। कौन सरकार? हमारा मोदी है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं। पर मोदी जी, फिर मोदी जी, बिल्कुल मोदी, बिल्कुल हमारा मोदी कर रहे हैं, लेडीज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मतदान आप करा है? आखिर किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हमने इन मुद्दों को लेकर क्या, बीजेपी की सरकार अच्छी है, महंगाई जरूर हुई है लेकिन सरकार इससे अच्छी हुई है, आप भी सब सुरक्षित है। इस बार किसकी गवर्नमेंट आने, किसको जिता रहा है? बीजेपी को जिताएंगे। इस बार वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप मत का अपने प्रयोग करेंगे? सुरक्षा के मुद्दों। और कोई मुद्दा? क्या नाम है? लक्ष्मी कसेरा। ये बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, आज ये बहुत बड़ा पर्व है अपने मत का प्रयोग करने, किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? चावल और गेहूं मुद्दा लेकर के लोग वोट डाल रहे हैं, अब मोदी जी जो भी जो को सराहनीय कर रहे हैं यहाँ की जनता। हाँ, जो गरीब नीचे से जो उठाने का काम किया मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, हर बिरादरी को उन्होंने एक साथ जोड़ा है और सभी बिरादरी के लोग वोट डाल रहे हैं मोदी जी को। नहीं मोदी, आप स्थानीय विधायक जो 5 साल में विकास किए, उन कार्यों से संतुष्ट हैं कि आप मोदी योगी जी को देख के वोट वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं, उनका कोई विधायक का कोई बात से लेकर मैं संतुष्ट नहीं है, लेकिन मोदी योगी जी जो किए हैं वो जमीन पर काम दिखाई दे रहा है, जैसे पानी हो गया, शौचालय हो गया, आवास हो गया, राशन हो गया, हर गरीब तबके तक पहुँचा है, जो पहले घोटाला होता था अब नहीं होता है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ कांग्रेस के समय में, तो यहाँ 10 पैसा मिलता था। मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि लोग स्थानीय विधायक के कार्यों संतुष्ट नहीं है लेकिन मोदी जी और योगी जी देख करके मतदान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही में लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पूर्वांचल में 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, वहीं आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें, मऊ में 4, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9, मिर्जापुर में 5, चंदौली में 4, सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें, भदोही में 4, 3 विधानसभा सीटें हैं। और बात अगर 2017 के चुनावी नतीजों की जाए तो 2017 में 54 में से बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, सपा को 11 सीटें, बसपा को 6, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिला था, वहीं अन्य जो है वो 1 सीट गया था। कई बड़े चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात बड़े चेहरों की जाए तो जो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा है वो दीदारगंज विधानसभा से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात किया जाए अन्य जो बड़े चेहरे हैं तो धनंजय सिंह जो जदयू मल्हनी विधानसभा जौनपुर के चुनावी मैदान में है, लकी यादव जो उनको हमेशा से कड़ा मुकाबला एक कड़ा टक्कर देते आए हैं, वो भी सपा से मल्हनी विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तो कई दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा आखिरी चरण में दांव पर लगी हुई है और आखिरी चरण में असल इम्तहान जो है वो छोटे जो दल हैं जिन्होंने गठबंधन किया है बड़ी पार्टियों के साथ उनका भी देखने को मिल रहा है। अपना दल
जो एस है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसका भी एक अपना इम्तिहान है। हालांकि जो मिर्जापुर की जनता है वो अनुप्रिया पटेल के कार्यों से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। वहीं बात अगर ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा की जाए तो सुभाषपा का भी एक कड़ा इम्तिहान यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि मऊ में अगर बात की जाए तो मऊ में राजभर वोट अच्छी खासी मात्रा में है। और अगर बात अन्य छोटे राजनीतिक दलों की जाए तो उनका भी एक कड़ा इम्तिहान है। इसमें देखना यह होगा कि जो दावे और वादे हैं छोटे क्षेत्रीय पार्टियों का, उनका क्या कुछ पैठ देखने को मिलेगा, कितनी सीटें उनके खाते में जाती है, जनता उन पर कितना विकास को लेकर भरोसा जता पाती है कि वो उनका कितना विकास करेंगे। वहीं अगर बात करें कुल प्रतिशत की तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 9 बजे तक सातवें चरण के लिए 9% मतदान हो चुका है। वाराणसी में कुल 8.93% मतदान हो चुका है। वही बात करें अगर जौनपुर की तो जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है। चंदौली में 11.75% मतदान हो चुका है। भदोही में 4.41% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 8% मतदान हो चुका है। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है सातवें चरण के लिए। चुका है उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए लगातार जिस तरह से वोटिंग जारी है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने प्रत्याशी को और उनके विकास कार्यों पर वोट देने के लिए। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो विकास के मुद्दों पर इस बार ज़्यादा वोट देना चाहती है। जिस तरह से कोरोना महामारी में काफ़ी युवा बेरोजगार हुए हैं, ऐसे में एक ये भी अहम मुद्दा है कि रोजगार जो है वो एक युवाओं का है मुद्दा है। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले। स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है क्योंकि जिस तरह से कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन दवाइयों और बेड के लिए भागना पड़ा था, ऐसे में जनता स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त चाहती है पूरे प्रदेश में कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त हो। वहीं बात अगर महिला वोटर्स की करें तो महिला वोटर्स हमेशा से एक शांत वोटर के रूप में सामने आई है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो 50% वोटर है महिलाएं, उनका मत किसकी ओर जाता है। हमेशा से कहा जाता है कि महिलाएं शांत तरीके से वोट करती हैं और सरकार बनवाती हैं। 2019 में ये देखने को मिला था। तो ऐसे में देखना यह होगा कि महिलाएं किसकी ओर जाती हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति, खास करके पूर्वांचल की राजनीति, हमेशा से जातिगत समीकरण पर आधारित रहा है। जातिगत समीकरण हमेशा से यहाँ पर हावी रहा है। अपनी अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी एक अलग अलग जातिगत समीकरण है। उसके साथ साथ अब विकास के मुद्दे अहम हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए सातों चरणों के चुनाव की तो सातों चरणों के चुनाव में हमेशा मुद्दे अलग अलग रहे हैं। राम मंदिर भी एक अहम मुद्दा रहा है। राम मंदिर को लेकर के कई नारे भी दिए गए थे। वहीं हर पार्टियों के अपने अलग अलग नारे रहे जैसा कि हर बार चुनाव में होता है। तो देखना यह होगा कि इस चुनाव में किसके नारे कितने सटीक बैठते हैं और जनता किसको चुनती है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी कड़ी में सोनभद्र से संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र, क्या कुछ चुनावी अपडेट है वहां के मतदान केंद्रों से? सोनभद्र में 9 बजे तक 1.75% मतदान पड़ा था। यहां पे लोग कुछ जगहों पे वोटिंग की लाइनें कम है, कुछ जगहों लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी रविंद्र, क्या कुछ अभी कोई ऐसा मतदान में बाधा की कोई खबर तो सामने नहीं आई है सोनभद्र से? नहीं, अभी यहाँ पे हर तरह शांति व्यवस्था है, चुनाव हर शांति तरह संपन्न हो रहा है। अगर बात वहाँ के एक बुजुर्ग वर्ग की करें सोनभद्र के, तो बुजुर्ग वर्ग भी खासा एक वोट बैंक है और मायने रखता है। तो जो बुजुर्ग वर्ग है उसको क्या कुछ योजनाओं के लाभ चाहिए सोनभद्र में? रविंद्र, बुजुर्ग लोग को ये है कि उनका जो पेंशन होता है उसमें बढ़ोतरी, कई आपकी सपा गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी का क्या बढ़ोतरी होगा। जी, जो दावे और वादे हैं वो तमाम है बड़ी बड़ी पार्टियों के, तो ऐसे में भरोसा किस पे दिखा पा रही है सोनभद्र की जनता? यही तो बात है कि जनता खुद देखिए, अब तो 10 तारीख को पता ही चल जाएगा कि किसके ऊपर जनता भरोसा करती है, क्योंकि तमाम आते हैं, सभी लोग दावे तरह तरह करते हैं। जी, 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा किसकी होली मनेगी अच्छे से। जी वो तो बिल्कुल, होली 18 को है लेकिन 10 तारीख को ही कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सत्य यही है कि जिसकी होगी असली होली 10 को ही मन जाएगी कि इस बार कौन किस तरह से होली खेलेगा। असली होली 10 को है। इस बार किसकी होली अच्छी होगी, किसकी
होली मुबारक भरी होगी और किसकी होली कैसी होगी 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। हालांकि इन सब चीजों से हटके हमारे लिए एक मुद्दा है, वो है जनता। जनता क्या कुछ चाहती है, ऐसे में एक ही चीज सामने निकल के आता है, जिसकी भी सरकार बनेगी उसके लिए होली तो होनी ही होनी है, लेकिन जनता को क्या कुछ चाहिए रविंद्र, ये अहम मुद्दा है। जनता की आवाज क्या है, जनता को और कुछ क्या चाहिए सोनभद्र में, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप वहां की जनता की मुद्दे को बताएं कि वहां की जनता का मुद्दा क्या है, हर वर्ग का, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के काल में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, ऐसे में युवा अहम मुद्दा है। हम चाहेंगे कि वहां के लोगों से आप बातचीत करें, उनसे जाने कि उनके मुद्दे क्या है। जी बिल्कुल, मैं अभी डायरेक्ट पहुंचा डीएवी पब्लिक स्कूल में, पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो मतदान प्रयोग करके आए, उनसे मैं डायरेक्टली बात करने का ग्राउंड जिस बात करने पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इनके मुद्दे क्या है, किस देश को लेके इन्होंने मतदान किया। सर आपने मतदान कर लिया है, किन मुद्दों, किन देश पे आपने मतदान किया? राष्ट्र की सुरक्षा और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए हमने मतदान किया, क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहेगी तभी दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे राज्य में निवेश होगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए शांति व्यवस्था भी हमारे दिमाग में। क्या जो 5 साल का यहाँ कार्यकाल रहा, जो भी विधायक रहे, इनसे संतुष्ट हो के, क्या योगी या मोदी जी से संतुष्ट होकर आप वोटिंग कर रहे हैं? हमने पॉलिटिकल पार्टी की जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रख के, राजनीतिक दलों के सिद्धांत को ध्यान में रख के हमने वोट किया है। उनका सिद्धांत अगर राज्य के विकास के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, तो इस सरकार से संतुष्ट है? राज्य सरकार से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आगे और भी अपेक्षा रखते हैं कि लोगों को रोजगारी दूर करने में। सर क्या आपने मतदान कर लिया? मतदान कर लिया। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? पहला हमारा मुद्दा यह है कि विकास का, सही सरकार में विकास हुआ है और नकल मुक्त प्रदेश कर दिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से चले, जो बच्चे योग्य हों वही पास हों। क्या शिक्षा की सोनभद्र में, जबकि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला है सोनभद्र, क्या यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, क्या यहाँ के शिक्षा की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। यहाँ के बच्चे देश और विदेश में हर जगह अपना नाम उज्ज्वल कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज की इस समय महिलाओं की सुरक्षा मुख्य है, तो महिलाओं की सुरक्षा इन 5 वर्षों में बहुत ही अच्छी रही। बगल में एक महिला भी खड़ी है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? गीता स्कूल। वोट कराएं? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर, चूंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सबसे पहले तो मैं इस भारत की नागरिक हूँ इसलिए मैंने दिया, और फिर अपनी नारी शक्ति को बुलंद बनाने के लिए मैंने दिया, जिसमें कि नारियां मतलब अच्छे से शिक्षा ग्रहण सकें, अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें और अपनी सुरक्षा अपने आप बनाए रखें। जो 5 साल में भाजपा सरकार रही, इनके अंदर जो भी नारी सुरक्षा संबंधित इनके कार्यों से मैं सुरक्षा इन कार्यों से जी बिल्कुल। यहाँ पे देख लो, और लोग हैं ग्राउंड जीरो पे, मैं बात करने पर। जी क्या नाम है? नरेश चंद्र शुक्ला। तो आप मतदान कर रहे? मतदान कर दिया। किन मुद्दों को लेकर, महंगाई बेरोजगारी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? महंगाई बेरोजगारी तो ठीक है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की, जो शिक्षा में इतना कायक हुआ, बच्चे इस तरह से आगे बढ़े, करप्शन को रोका गया, उससे देख करके हमने इसको वोट दिया। जी बिल्कुल, काफी लोग यहाँ संतुष्ट नजर आ रहे हैं और शिक्षा बेरोजगारी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन्हीं को उद्देश्य में लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। लगातार एक्टिव नजर आ रही है, शिक्षा भी एक अहम मुद्दा निकल के सोनभद्र से सामने आ रहा है। अभी तक जो वहां पर मौजूदा विधायक है उनके कार्यकाल से कितनी खुश है जनता रविंद्र, सोनभद्र की जनता? बिल्कुल, ये जो अभी सोनभद्र के विधायक हैं आपके भाजपा अपना हरिराम शेरो जी रहे, इनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? इनके कार्यों के बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ। सिर्फ मतलब जो कार्य चूंकि भाजपा से ही रहे, इनके कार्यों से संतुष्ट कितना है? मैं कुछ नहीं बता सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं समंजस किस टीम बता नहीं पा रहा है कि मैं वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट हूं, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के कार्यों से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं कुछ। ऐसे में सोनभद्र में किस तरह से चुनाव चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और किस तरह से प्रशासन प्रतिबद्ध चुनाव संपन्न कराने के लिए रविंद्र, और प्रशासन किस तरह से चुनाव वहां पे करवा रही है? बिल्कुल सुरक्षा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया है, यहाँ से 4 राज्य सटे होने के कारण जी यहाँ पे हवाई रास्ते से भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है,
हर जगह बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था हर जगह नजर आ रही है। महिलाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है और महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है पोलिंग बूथों पर? महिलाओं के अलग लाइन लगाई गई है, पुरुष अलग लाइन से जा रहे हैं, महिलाएं अलग लाइन से जा रही हैं और अपने मत का प्रयोग करके वापस आ रही हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतदान केंद्रों पर बने रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक कुल उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए 9% मतदान हो चुका है। चंदौली में 11.25%, भदोही में 4.41% मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 9%, जौनपुर में 8.94% मतदान हो चुका है, वाराणसी में 8.93% मतदान हो चुका है, आजमगढ़ में 7.57% मतदान हो चुका है। वही लगातार 7वें चरण का मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 10 तारीख को फैसला आएगा कि जनता ने किसको चुना है, उत्तर प्रदेश की सियासत की चाबी किसको मिली है। और जिस तरह से लगातार मुद्दे अलग अलग बदलते हुए रहे हैं, बाहुबलियों को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं, दागी चेहरों को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, तो इस बीच विधानसभा चुनाव जारी है। वही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की सामने आ रही है, मिर्जापुर में मतदान ईवीएम खराब होने से बाधित हुआ है, कई बूथों पर खराब हुई वीवीपीएटी मशीन, मतदान जारी है। इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है, मशीन की खराब होने की वजह से मतदान में देरी हो रही है, मिर्जापुर में मतदान बाधित हुआ है, कई बूथों पर खराब हुआ वीवीपीएटी मशीन। इस खबर पर अधिक जानकारी के संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कितने बूथों से मशीन खराब होने की खबर आ रही है? देखिए, दो क्षेत्रों में जो है बूथ खराब होने की ईवीएम मशीन खराब होने के कारण जो है मतदान नहीं हो पाया है। पहला जो है मिर्जापुर ईवीएम मशीन खराबी के चलते बूथ संख्या 210, 162, 116, 143 और 144 वह बूथ संख्या 31 पर वीवीपैट मशीन की खराबी के चलते मतदान देर से शुरू हुई है। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के जो है विलुपुर गांव में 445 बूथों पर मतदान किया जा रहा है, लेकिन 210 और 162, 116, 143 और 144 पर मशीन की हल्की गड़बड़ी के चलते मतदान वहां से देर से शुरू हुई है। वहीं मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 380 पर ईवीएम मशीन खराब होने के मतदान बाधित रहा और करीब करीब वहां आधे घंटे बाद से मतदान अभी अभी प्रारंभ होने की संभावना बन रही है, वहां पे मशीन को नया बदलकर लगाया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं पर इसका क्या कुछ असर पड़ा है? क्या मतदाताओं में वही जोश देखने को मिल रहा है या फिर इंतजार करने की वजह से मतदाताओं में कुछ जोश की कमी नजर आ रही है? मतदाता जो है काफी जोश खोश में जो है अपने घर से निकले हैं मतदान के लिए और धूप, प्रचंड धूप है और खुला वातावरण में उनको खड़ा रहना पड़ रहा है, तो भगवान भास्कर का उन्हें तेज सूर्य की रोशनी उनको जो है प्रभावित कर रही है, और लेकिन उनका जोश कहीं से कमी नहीं है। मशीन खराब होने के चलते कुछ लोग रिटर्न भी हुए हैं, लेकिन जो मतदान देने के लिए आए थे अड़िग थे, वो मतदान देर से ही सही लेकिन मतदान करके जाएंगे। जी, अब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से मतदान देर से शुरू हुआ है, मिर्जापुर में मतदान बाधित हुआ है, ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से यहां पर मतदान बाधित हुआ है, कई बूथों पर वीवीपीएटी मशीन खराब हुआ है। वही लगातार इसी कड़ी में कई बड़े दिग्गज भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपने मताधिकार का प्रयोग करके आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है।
पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम परियोजनाएं यहाँ पर आई उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और NDA गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूँ तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, NH की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुरू हुआ, ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और NDA के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि NDA गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है NDA की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। पटेल का बयान सुना, वो मिर्जापुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करके और उन्होंने ये वादा किया है कि जो उनकी पार्टी है NDA गठबंधन के साथ लगातार पहले चरण से ही बढ़त बनाए हुए है और जो विकास कार्य हैं उसके दम पर NDA गठबंधन को जनता वोट कर रही है और अनुप्रिया पटेल ने अपने मतदान का प्रयोग किया। लगातार अलग अलग जनपदों में जो 9 जिले हैं उनके अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है, 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, 613 प्रत्याशी कुल चुनावी मैदान में है, पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है। वहीं अगर बात जिलों की विधानसभा सीटों की जाए तो आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, मऊ में 4 और गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जौनपुर में 9 और मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, चंदौली में 4, सोनभद्र में 4 और भदोही में 3 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी विधानसभा सीटों पर 54 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं अगर बात तो कुल 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की जाए तो 9 बजे तक 7वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश में 9% मतदान हो चुका है। वहीं 613 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में है, कई बड़े चेहरे कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में है। अगर इन 54 सीटों पर 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी को 36 सीट मिले थे, सपा को 11, BSP को 16, वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था, जो अन्य है उसको एक सीट मिला था। वहीं इस चरण में जो गठबंधन है उसका भी एक कड़ी परीक्षा है और वही हमारे संवाददाता चंदौली से अजीत पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, किस तरह से वहां पर चुनाव संपन्न हो रहा है और 11 बजने को आए हैं, जनता में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? मैम, हम आपको बताते कि इस समय मुगलसराय विधानसभा में लगभग हमारे हिसाब से 40% वोटें पड़ चुकी हैं, अभी लगभग इस शाम तक 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेंगी और महिलाएं अब आ रही है धीरे धीरे, अब अपने वोटिंग बूथ पर जा रहे हैं और मतदान कर रही है और हम लगभग मुगलसराय विधानसभा में 40% वोट पड़ गया है, यही आंकड़ा लगाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं, अब महिलाओं में भी जोश दिख रहा है, महिलाओं से आपने बातचीत की अजीत, महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, महिलाओं से मैंने बात किया तो बोल रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं और हर पहलू को सरकार ने कार्य किया और विकास के मुद्दे पर हम वोट डाल रहे हैं। कुछ महिला वोट करके आती है तो अभी हम उनसे बात भी करेंगे, अभी कोई महिला अजीत आएंगे जा रही है। बिल्कुल, आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं जीत, क्योंकि जनता अहम है, पार्टी कोई भी जीते जनता अहम है क्योंकि जनता ही चुनती है अपने प्रतिनिधि को, अपने प्रत्याशी को, ऐसे में जनता का मत जानना बेहद अहम होता है। अगर बात चंदौली में स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए जी, तो चंदौली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना मतदाता मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और क्या कुछ और विकास चाहिए चंदौली की जनता को स्वास्थ्य को लेकर?
देखिए मुगल साहब विधानसभा में बबुरी में लगभग 6 बूथ हैं और 6 बूथ पर 3 महिला के हैं और 6 बूथ पर 3 महिला के 3 पुरुष के हैं। और माना जाए तो यहाँ पर मतदान बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत कड़ाई के साथ व्यवस्था किया गया है और भारी पुलिस भी यहाँ पर तैनात किया गया है और हमारे हिसाब से 40% वोट पड़ गया है। अभी महिला धीरे धीरे आ रही हैं, अभी अपना वोटिंग कर रही हैं और हम यहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे भी हम जानेंगे, आ भी रही हैं इनसे हम जानते हैं कि ये लोग वोट करके आ रही हैं इनसे भी हम जानेंगे। नहीं नहीं बताइए आज वोट करके आ रही किस मुद्दे पर वोट दी है आप? क्या क्या सुविधाएं मिली है, क्या कुछ सुविधा चाहती है? क्या सुविधा नहीं मिली? मतलब किस मुद्दे पर यहाँ पे इस बार वोट किए अंदर? हमारा नाम समझ में इनको नहीं समझ में आया, महिलाएं कुछ सीख नहीं और भैया इनसे हम पूछते हैं आप किस मुद्दे पर वोट देके आ रहे हैं? विकास के नाम पर लूंगा। अच्छा विकास के नाम पर, मतलब विकास क्या, मतलब कैसा विकास? मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बच्चे बैठे हुए काम हो रहा है क्या? और एक भाई हमसे और जोड़ रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए आज वोट किस मुद्दे पर? सत्ता परिवर्तन तो मैंने इनसे बात किया है, बोले कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। हर किसी के अपने अलग अलग मुद्दे हैं जी, जिस तरह से जनता अलग अलग मुद्दे रख रही है और उस बार जनता बिल्कुल अलग मूड में है। जाति समीकरण हर चीज से हटके जनता को सिर्फ विकास चाहिए, विकास एक अहम मुद्दा है चंदौली में। क्या लगता है कि जनता जाति पर वोट देगी या विकास पर वोट देगी? अजीत, वहां की जनता का मत क्या है? तो मतलब ये बात करने से लग रहा है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है और एक कुछ लोग भी ये भी कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, तो आगे देखिए कि क्या होता है। अभी तो वोट 40% वोट पड़ चुकी है, अभी भी कुछ लोग मतदान करके आ रहे हैं, कुछ महिलाएं उनसे अभी हम जानते हैं, हम जानेंगे कुछ महिलाएं उनसे वोट सुरक्षा के मुद्दे कमल पर महिलाएं बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा के हमारे पास सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिए, ये भी बोलते हैं कि इस पर भी कर दी कि मैंने कमल पर वोट दिए। तो हर जगह मतलब कि अलग अलग पार्टी की सरकार में महसूस होता है ये उनका मुद्दा है, ये महिलाओं का मुद्दा है। हर किसी का अपना मत है कि उसको किस सरकार में और किससे कितनी सुरक्षा मिली है और महिलाओं का सुरक्षा एक अहम मुद्दा चंदौली में देखने को मिल रहा है। हर महिला का एक मुद्दा है कि उसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है निशान जो विधायक है अभी मौजूदा उन पे उठता है, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठता है और ये जो प्रदेश की सरकार है उसके भी ऊपर एक सवाल निशान है कि सुरक्षा का क्या कुछ है और आगे आने वाली सरकार जो भी है चंदौली की महिलाओं के लिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था करती है। ऐसे में जो युवा लड़कियां हैं वहां पर उनके क्या कुछ मांग है अजीत, उनकी सुरक्षा शिक्षा रोजगार क्या कुछ मांग है युवा लड़कियों के? देखिए मैम अभी हम बात किए कुछ महिलाओं से तो बोली कि हमारे पर मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार में बेहतर रही, बीजेपी सरकार में साफ ही स्पष्ट की है यहाँ पर। और कुछ लोग मतलब पलटवार भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हमको लग रहा है कि 40% अभी वोट पड़ा है, लगभग 1 बजे के बाद कुछ और रुझाने समझ में आएगी कि मतलब कि इस बार क्या रुझान है। कुछ महिला तो भी आगे बढ़ रही है, अभी पोलिंग पर अंदर जा रही है, अपने पोलिंग पर वोट दे रही है। तो अब धीरे धीरे महिलाएं आ रहे हैं,
पुरुष थोड़े कम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब हर बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सब अलग अलग पक्ष से अपनी बात रख रहे हैं और देखिए क्या होता है। मतदान केंद्रों पर बने रहिए और लोगों से उनका मत जानते रहिए, क्योंकि जनता सबसे अहम है हमारे लिए। हम थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि जो जनता है चंदौली की, खास करके जो महिलाएं हैं, उनका एक अहम मुद्दा सुरक्षा है। तो उत्तर प्रदेश की महिला अपने सुरक्षाओं को लेकर भी खासा सचेत नजर आ रही है, उनके लिए अपनी सुरक्षा अपनी पहली प्राथमिकता है, महिलाओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग जगहों से अलग अलग नजर आए हैं, अलग अलग जगह की जनता अपना विकास कार्य चाहती है। इसी कड़ी में अपने अनुप्रिया पटेल का भी एक बयान सुना जिसमें वो यह कहती नजर आई कि उन्होंने विकास कार्य किया है और उनके विकास के चलते एनडीए गठबंधन को और उनकी पार्टी को जनता वोट देगी। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जिस तरह से अपने विकास कार्यों को लेकर पहले चरण से ही जो एनडीए गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुई है उनकी पार्टी, वो ऐसे ही सातवें चरण में भी जारी रहेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि इन बड़े बड़े नेताओं के दावे और वादे कितने सच होते हैं, किस नेता के दावे और वादों पर जनता ने भरोसा दिखाया है। लगातार बने हुए हैं हम चुनावी हर अपडेट पर और इसी बीच की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में खाकी हुई शर्मसार, चौकी इंचार्ज का नया कारनामा आया सामने। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, समुदाय विशेष के दबंगों ने युवक पर किया हमला, वीडियो में पीड़ित को धमकाते दिखे चौकी इंचार्ज। पीड़ितों ने चौकी इंचार्ज पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। शहर कोतवाली क्षेत्र के परिसर का मामला आया सामने। फर्रुखाबाद में खाकी हुई शर्मसार, चौकी इंचार्ज का नया कारनामा आया सामने। समुदाय विशेष के दबंगों ने युवक पर किया हमला, वीडियो में पीड़ित को धमकाते दिखे चौकी इंचार्ज। पीड़ितों ने चौकी इंचार्ज पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कार्रवाई नहीं करने पर भाजयुमो जिला मंत्री की चेतावनी, कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। शहर कोतवाली क्षेत्र के परिसर का मामला आया सामने। फतेहपुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, पुलिस के सामने हुई हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही मूक दर्शक। झड़प में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। फतेहपुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, पुलिस के सामने हुई हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी मूक दर्शक। झड़प में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हुसैन भाई हमारे संवाददाता अमरदीप फतेहपुर से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अमरदीप, क्या कुछ पूरा मामला है, कौन है ये दो पक्ष जिनके बीच हिंसक झड़प हुई है? देखिए मैम, मामला ये है कि फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पिलखनी गांव का मामला है, जहां पर किसी बात को लेकर के एक ही बिरादरी के लोग है जिनका आपस में कोई पहले से रंजिश थी, उस रंजिश पे आज सुबह जो है झगड़ा हो गया है। लाठी डंडे पत्थर चले हुए हैं जिसमें जो है आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पुलिस भी खड़े होकर मूक दर्शक बनी रही, विवाद को बचने से रोका नहीं गया, और रोकने के बाद जब बाद में विवाद शांत हुआ है तो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और साथ में पुलिस ने दोनों तरफ से तहरीर लेकर के पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी जी, पुलिस मौके पर तो झगड़े को शांत नहीं कराए, इसके बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और ये पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है अमरदीप?
जी ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस की पूरी तरीके से लापरवाही सामने देखने को मिली है, क्योंकि वीडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल में पुलिस सामने खड़ी हुई है और ईंट लाठी डंडे पत्थर भी चले हुए हैं और पुलिस खड़ी रही है। आखिरकार क्या कारण रहा ये तो एक सोचनी विषय बन जाता है कि पुलिस ने इस ऐसी बड़ी वारदात को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब ये मामला जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाएगा तभी कोई ऐसा निष्कर्ष सामने निकल कर आ सकता है। जी अमरदीप, जो 6 लोग घायल हुए उनकी अभी मौजूदा हालात क्या है और उनका इलाज कहाँ पे चल रहा है? देखिए ऐसा है कि उन लोगों का जो है हुसैनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो घायल हुए आधा दर्जन लोग उनका इलाज चल रहा है और कोई बहुत ज्यादा तो घायल नहीं हुए, पर हाँ घायल तो हुए हैं और कोई इतना बड़ा जो है इशू नहीं है कि किसी की जान जोखिम में पड़ी हो। जी जी अमरदीप, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम। सिंहगंज थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर दो पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुआ है, 6 लोग घायल भी हुए हैं। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और पुलिस मौजूदा स्थिति पर मौजूद थी और खूब दर्शक बनी रही। बड़ी खबर श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, मवेशी से टकरा कर घायल हुए बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने घायलों को कराया भर्ती। इकोना बलरामपुर मार्ग ओड़ा झार की घटना आई सामने, श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, मवेशी से टकरा कर घायल हुए बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने घायलों को कराया भर्ती। इकोना पर रामपुर मार्ग ओड़ा झार की घटना आई सामने, श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, मवेशी से टकराकर घायल हुए बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने घायलों को कराया भर्ती। इकोना पर रामपुर मार्ग ओड़ा झार की घटना आई सामने, श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, मवेशी से टकरा कर घायल हुए बाइक सवार, में 7वें चरण का चुनाव जारी है और सभी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूत हो रही है। मैं सम्मानित मतदाताओं को अपील करूंगा कि राष्ट्र हित में और देश के विकास और प्रदेश के विकास के हित में, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी छवि वाली सरकार के हित में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को दें, यही अनुरोध करता हूं अपने सम्मानित मतदाताओं से। अगले बार आप 46,000 वोट से जीते थे, इस बार कितनी वोट से आप जीतेंगे? हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम 46,000 का दूना हो जाएगा वोट से हम जीतेंगे, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता मोदी और योगी जी के विकास को देखा है, इस उद्देश्य से मुझे अनुमान है कि हम लोग पिछली बार से दुगने ओर से चुनाव जीते हैं। मंत्री जी, मरियान में प्राथमिकता क्या है विकास की? देखिए हम लोगों ने 5 सालों में काम किया है और अभी बहुत से काम बाकी हैं, इस बार हम लोग जो काम बाकी उसको करेंगे और सिंचाई व्यवस्था, किसानों को मजबूती के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आपने देखा कि राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्होंने ये दावा किया कि वो इस बार दुगनी वोट से जीतेंगे और उन्होंने जनता से अपील भी की कि सभी मतदान केंद्र पर जाए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता योगी जी और मोदी जी के कार्यों से सहमत है,
खुश है और वो इसी पर अपने विकास कार्य पर, विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। लगातार कई बड़े दिग्गज भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही में जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सातवें चरण का चुनाव 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सातवां चरण और अंतिम चरण जो विधानसभा चुनाव का है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होना है और अंतिम चरण में कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं, ऐसे कई बाहुबली चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं जिसको लेकर सुर्खियाँ पहले से आती रही हैं, सुर्खियों में वो पहले से ही रहे हैं। कई विधानसभा सीटें हॉट सीट भी बनी हुई हैं। अगर बात मऊ की विधानसभा सीटों की जाए तो मऊ की विधानसभा सीटें भी हॉट सीट बनी हुई हैं, कई दिग्गज वहां से भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात मुबारकपुर विधानसभा सीट की जाए तो वहाँ से गुड्डू जमाली AIMIM से मुबारकपुर विधानसभा से वही लगातार सभी दिग्गज चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जनपदों की, अलग अलग जिलों की जनता का क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ चुनावी मूड है, क्या कुछ विकास चाहती है और अपने जो विधायक है जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है उनके कार्यों से कितनी खुश है, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है। और लगातार कई बड़े दिग्गज भी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जनता मतदान करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपना नेता चुने, अपनी सरकार चुने। और ऐसे में जनता के कई अहम मुद्दे भी सामने, अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं का पूर्वांचल में और इस आखिरी चरण में सबसे अहम मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है। महिलाएँ सुरक्षा चाहती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे भी इसके साथ ही साथ है। और अगर बात किया जाए अन्य मुद्दों की तो दूषित पानी का भी एक मुद्दा इस चरण में अहम बना हुआ है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को भारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि यह मुद्दा 2022 विधानसभा चुनाव पर कितना हावी होता है। सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल का चुनाव हमेशा से जातिगत समीकरण पर भी आधारित रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किस जाति का वोट किस तरफ कितना जाता है। वहीं कई बड़े चेहरों के साथ साथ छोटे चेहरे भी और छोटे क्षेत्रीय दल भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी कड़ी परीक्षा है और देखना यह है कि कितना सीट लेकर के आते हैं जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं जो गठबंधन कर किए हुए हैं बड़ी पार्टियों से। लगातार अगर बात किया जाए अनुप्रिया पटेल की तो दावे करती नजर आ रही हैं कि इस बार NDA जिस तरह से पहले चरण से ही बढ़त बनाए हुई है वो सातवें चरण में भी बढ़त बनाएगी और लगातार जनता उनके विकास के मुद्दों पर वोट देगी जो उन्होंने विकास कार्य किया है। वहीं लगातार कई बड़े दिग्गज हैं जो लोगों से अपील भी कर रहे हैं मतदान करने के लिए। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। चुनाव का आज अंतिम चरण है, सातवें चरण का चुनाव, तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है, 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, या न केवल उनका अधिकार है बल्कि या उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा
दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि मिर्जापुर की पांचों सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ मतलब पांचों सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे पांच सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूँ तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुरू हुआ, ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा। अनुप्रिया पटेल के ये दावे हैं कि मिर्जापुर में 5 की 5ों सीटें एनडीए गठबंधन जीत रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि आज अंतिम और 7वें चरण का चुनाव है, सभी मतदान केंद्रों पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सुशासन समृद्धि और सुरक्षा के लिए मत दे, अपने वोट दे। तो इस कड़ी में लगातार 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। संसारी है जो एक बड़ा चेहरा है और एक बहुचर्चित चेहरा है, अखिलेश मिश्रा जो आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। 9 जिले की 54 सीटों पर कई बड़े दिग्गज भी चुनावी मैदान में, 613 कुल उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं पूर्वांचल में मतदान हो रहा है और कई अहम मुद्दे पूर्वांचल में है, जातिगत एक अहम मुद्दा हमेशा से पूर्वांचल में रहा है, विकास, महिला सुरक्षा, पानी, जो दूषित पानी है उसका मुद्दा भी एक अहम है। अब देखना यह होगा कि जनता किसको अपना मत देकर और अपनी प्रतिनिधित्व के लिए चुनती है और किसकी सरकार बनती है, यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे आज अंतिम चरण का चुनाव है, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा कुल 7 चरणों में होना था, 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, आज अंतिम चरण का चुनाव जारी है। इस बीच लगातार लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, 9 जिलों में कुल मतदान हो रहा है, 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, 613 कुल विधानसभा प्रत्याशियों का किस्मत चुनावी दांव पर है और कई बड़े छोटे और क्षेत्रीय दलों का भी परीक्षा है पूर्वांचल में की 9 जिलों में और 54 विधानसभा सीटों पर। वहीं ओपी राजभर खुद जहूराबाद से चुनावी मैदान में है, देखना यह होगा कि जनता उनको कितना पसंद करती है। अगर बात कई अलग अलग जगहों की जाए, चंदौली और मऊ की जाए, तो यहाँ पर अलग अलग एक जातिगत समीकरण है। मऊ में अपना राजभर वोट एक अलग समीकरण है, जहाँ से सपा और जो राजभर की पार्टी है सुभाषपा उसके गठबंधन से अब्बास अंसारी भी चुनावी मैदान में है। अलका राय का भी एक बयान सामने आया था जिसपे उन्होंने
पक्षियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उनके पति के जान को खतरा है। ऐसे में देखना यह होगा कि उस चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। तमाम उठापटक के बाद, तमाम जुबानी वार पलटवार के बाद, निशानेबाजी और इन सब बयानबाजियों के बाद जो चुनाव का अंतिम रिजल्ट होगा वो देखना दिलचस्प होगा। 10 तारीख को क्या कुछ अंतिम रिजल्ट आता है, जनता ने किसको अपना नेता चुना है, किस पे अपना भरोसा दिखाया है, और उत्तर प्रदेश की सियासत किसके हाथ में जाएगी, सियासत की चाबी किसके हाथ में जाएगी। पूर्वांचल के 9 जिलों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, मऊ में 4 विधानसभा सीटें, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9, मिर्जापुर में 5, चंदौली में 4, सोनभद्र में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, वहीं भदोही में 3 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि 2017 में इन 54 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें किसके खाते में गई थी, तो बीजेपी में 36 वोट खाते सीट गए थे, सपा में 11 सीट गए थे, वहीं बसपा में 6 और कांग्रेस में 1 भी सीट नहीं गया था। अन्य जो पार्टी है वहां से 1 सीट उसको मिली थी। तो ऐसे में देखना यह होगा कि गठबंधन क्या कुछ कमाल कर पाती है पूर्वांचल के इन जिलों में, और अंतिम चरण में गठबंधन का क्या कुछ कमाल देखने को मिलेगा। ऐसे में चुनाव बेहद ही दिलचस्प हुआ। आखिर आज आखिरी चरण का चुनाव है, सातों जो चरण है, 7 पड़ाव जो है वो आज पार हो जाएंगे। सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 9% मतदान हो चुका है। वहीं लगातार कई दिग्गजों की बातें भी सामने आ रही हैं, लगातार कई दिग्गज अब वोट की अपील भी कर रहे हैं और अपनी बातें सामने रख रहे हैं। इसी बीच राकेश टिकैत के बयान सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ चुनाव को लेकर के कहा है। यहाँ सब्जी देखेंगे, 2 दिन यहाँ क्या बिकेगी, हमने तो किसानों को कहा भाई 2 दिन की छुट्टी ला गई हो मंडी में, तो मुझे लगे बंद रहेगी, दिखे उस दिन ये किसान सब्जी कहाँ बेचेंगे और ये करेंगे रपनी भाई वोट आठ दे रखी उसकी गिनती ठीक करवाइयो, देखने आए यहाँ पे तो दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कुछ गड़बड़ी हो? ये जोन सी यूनिवर्सिटी है ना इनकी, वे हारे हुए को जीत कर पास कर दे, वे अपनी को निगार आ गई भाई, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ है, कुछ सुना गया आपके पास? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने कराया सही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा चोरी कैसे करता है, वो उसी रास्ते से दोबारा आवेगा। अपनी को निगार आ गई, ये गांव वालों ने बताया हमें भी, मैं कहा जाके देखेंगे, हम तो मंडी में जाएंगे, हम तो गणना स्थल पर तो हम जाए नहीं करते, लेकिन मंडी में जरूर जाएंगे। मंडी चल रही नहीं चल रही, 3 कानूनों के बाद में क्या हाल हुआ, तो मंडी की स्थिति ठीक नहीं है ना, हमने तो दे तो रहे ना, यही अपना निगाह रखियो, अपना भाई आ जाइयो यही, अपना 2 दिन की छुट्टी करके और अपने की वोट जिसको दी भाई उसके घर लोग को पहुंचाने की जिम्मेदारी है, अपना शहर में ही आ जाएंगे लोग, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, धांधली रोकने का भी उपाय बताया था, अपना रोटी लेकर आइयो शाम को सुहाड़ी और अगले दिन चूरमा, और अपने भाई ज्ञानदेही लेकर आइयो शायद में। ज्ञानदेही क्या है जी, से बता दो। अरे भाई अपना सिर पे 4 अंगड़ ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के आ गए, सर्दी लगे रात को, तो साहब कभी आपको बोल दो कभी ज्ञानदेही नहीं ना, देखो ये है कि अपना निगाह रखियो, और तो ये है सब पुलिस फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपनी गिनती ठीक करवाइयो, बस ये गिनती में रोड़ा करेंगे, और ये कह देंगे ना सर्टिफिकेट ले जाइए सुबह ही, तो जीत गया, उसे भेज देंगे घर और देंगे किसी दूसरे को, बस इतनी निगाह रखनी। ट्रैक्टर को लेकर बयान दिया था, ट्रैक्टर अच्छा कहीं आओगे भाई, ट्रैक्टर तो लेकर आने पड़े कहीं में आओगे बैठ के, यहाँ कोई रोडवेज की सरकारी बस तो चल रही के गमू में तो वो लेकर आओगे। राकेश भाई आपने एक बयान दिया था पीछे कि 15,000 वोटों से गिनती शुरू होगी भाजपा पार्टी, हाँ जो सरकारी कर्मचारी है उनकी वोट अपने आप ही गिर ली उन्होंने सरकार ने, हाँ अपने आप ही मोहर मार लगा ली, किसी ने सक्रिय सा रहेगा दूसरे ने लगा ली, नहीं तो सरकार ही लगा ले मोहर अपने आप ही कर ले काम, इतना क्या लग रहा है कुछ सरकार में कुछ परिवर्तन आ रहा है या सरकार परिवर्तन का तो नहीं पता, नहीं सर जनता नाराज ही तो लग रही है कुछ। तो आपने राकेश सुना कि राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, और उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। कई बड़े चेहरे भी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और कई मंत्रियों की भी
चुनावी साख दांव पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसको चुनती है, किसको अपना नेता चुनती है, अगले 5 सालों तक किसको मौका देगी अपने विकास का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।